आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, मतलब छुट्टी के टाइम से 5 बजे से। एक हमने ये बनाया आज, एक सूट ये बनाया है, एक सूट ये बनाया है, एक सूट ये वाला बना है, और कहाँ है दे दिया। हाँ, और एक यहाँ पे एक ये बना, एक ये कुर्तियाँ। अभी हमने इंटरलॉक वगैरह करने को है, अभी हम दोनों जा रहे हैं छुट्टी करके। और आज मैं पता क्या व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ, मैंने कम से कम 1 महीने से आईब्रो नहीं बनवाए हैं। हमारे इधर मतलब कि लोकल में भी पार्लर है, तो आज हम पार्लर जाएंगे। मैं लगभग कितने सालों बाद, सालों के जब कॉलेज में थी तो फर्स्ट टाइम एक बार पार्लर गई थी, और आज जाऊंगी। और फिर अब आईब्रो बनाने के बाद आजकल रोज ही बारिश होती है, रोज रात रात को। और यहाँ देखो क्या नज़ारे हैं, जहाँ पे मेरी शॉप है वो रहा हमारा घर पार। कब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैं एक बार, कैसे लाल हुआ है मेरा मुंह आईब्रो, और अच्छी बन गई है, शेप अच्छी बनती है। जैसे हम कॉलेज में जब शुरू में गई थी, जब शुरू में हमारे थ्रेडिंग करवाते हैं, मतलब कि आईब्रो बनाते हैं, तब गई थी मैं वहाँ पे ना, बच्चे थे उस टाइम शायद, तो डर गई थी मैं। फिर मैंने उस टाइम के बाद खुद से ही की, और आज कितने 2005 की बात है, तब के बाद मैं आज पार्लर गई, और काफ़ी अच्छा लगा। अभी रेड हुई, मेरी स्किन रेड इसीलिए हुई है क्योंकि आदत नहीं है। देखो अब घर में मिलती हूँ आपसे, अब पानी भर रहे हैं इधर, यहाँ से हम ठंडा पानी ले जाते हैं। देवरानी जी देखिए इधर, ये पहले बने पानी भरो आप, मैं असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। इसमें भी हम काम ले जाते हैं घर, ऐसे नहीं है कि हम घर में बस खाना ही बनाते हैं। मतलब सोने से पहले मैंने एक शर्ट लाई, इन्होंने दो शर्ट लाई है तरपाई करने के लिए, मैंने एक शर्ट और लाई है, शायद मैं वो स्टिच कर भी लूँ, देखते हैं फिर क्या करते हैं। लगभग 3 दिन के बाद धूप अच्छी आई है, और अभी मैं 10:15 बजे के करीब आज ही आपको व्लॉग मिल जाएगा। अब भी जा रही हूँ शॉप, क्योंकि मैंने मशीन में बहुत सारे कपड़े रखे थे, थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है अगर रौनक के पापा, मतलब कि मौसम साफ हो तो रौनक के पापा अपने चल जाते हैं पंप ऑपरेट करने, और फिर कपड़े वगैरह तो वैसे संडे को धुलते, लेकिन रौनक के पापा के पास लिमिटेड है ना, मतलब कि वो ज़्यादा कपड़े नहीं लेते, तो बोलते कि अब धोने पड़ेंगे। मैंने धो के रख दिए हैं, और यहाँ पे इनको बोलते हैं, हमारे तो बोलते हैं इनको बोई, पर कुछ जगह इनको शेडेट किया भी बोलते हैं। ये रखी हैं, पर इस हिसाब से रखिए ना कि यहाँ पे बारिश नहीं आएगी, और अगर यहाँ पे फिर दिन को बारिश आएगी, कोई है नहीं है ना, इस वजह से। अभी मैं वहाँ जाऊँगी और मैं आज पैदल जाऊँगी, ऐसी धूप लगी हुई है, मौसम बिल्कुल साफ़, और ऊपर मैंने बहुत सारे कपड़े धो के रखे, मतलब कि 3 बाल्टियाँ हैं, अपने भी फिर धो ही लिए, रस्टी को खाना पानी दे के रखा है, और फिर मैं निकलती हूँ। बस मेरे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही। और आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज से हमारी शॉप पर जो है रेस्टे तो मतलब कि बहुत पहले से आने शुरू हो गए। एक तो था ना कुर्ता पेटीकोट, एक होता रेस्टा। रुक जा पानी देती हूँ इसको, खाना दिया है ना, ये रस्टी यहीं पे ही बंधा रहता है, क्योंकि अगर ये खुलता है ना तो सीधा ही मेरी शॉप आ जाता है। चलिए फिर काम कुम करने के बाद मिलती हूँ। मोबाइल भी देखने जाओ बे। आज मैं कब अभी पहुंची, रौनक के पापा ने गुस्सा किया था ना, बोल रहे थे कि हाँ थे हाँ, तो उस टाइम आंटी आ गई थी। मैं पता क्या बोल रही थी, मैं लेट इसलिए पता क्या हुई, ऐसे लगता है ना आसान, जैसे कि सुबह उठो खाना बनाओ और यहाँ पहुँच जाओ। रौनक के पापा मेरे को शाम को बोलते हैं ऐसे भाई, एक तो मैंने यहाँ से तरपाई करने को ले गई थी वहाँ पे घर, फिर उस और एक शर्ट भी ले गई थी मैंने घर के लिए, भी ले ली है क्या बोलते उसको मशीन ले ली है, तो कर रहे हैं बारिश में, बो रही हूँ मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ आप भी सुन रहे हो मुँह बोला ना, तो मेरा था कि चलो थोड़ा थोड़ा घर में भी करती हूँ, फिर उस वजह से अब होता ही है, लेडीज के पास तो होते हैं ज़्यादा, जैसे मेरे पास भी कपड़े हैं तो उनके मतलब कि 5-6 जोड़े धोने को हो गए थे, तो मेरे कपड़े इतने धोने को, हालांकि वो खुद भी करते हैं, काफ़ी करते हैं मेरे साथ, पर इस बार जो है उनको अब मौसम आज जैसे साफ है तो जाना पड़ा पानी की सप्लाई वगैरह करने। ठीक है, बीच में जब मौसम ख़राब होता तब नहीं होती पंपिंग, अभी तो काफ़ी टाइम बंद रहा, तो इस वजह से बोलते हैं कि तूने तो बोलते हैं वो पूरा ही बना दिया है, बोलते हैं तुझे अपने काम को में ही मस्त, इस वजह से मुझे यार सारा सुबह करना पड़ा,
चाहिए, फिर थोड़ा बहुत हम ये सूट वाला निकाल रहे हैं ताकि रेस्ट वगैरह का शुरू हो जाए। और बाकी अफगानी कट सलवार कटिंग स्टिचिंग का बताया था शॉर्ट में, इसमें वीडियो में डाल दूंगी। आज तो अफगानी बनेगी, पहले तो इंटरलॉक करने को होता है सुबह, फिर कटिंग होगी, फिर उसके बाद इंटरलॉक होगा। ए सॉरी अफगानी सलवार मैं बताऊंगी। एक तो मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आई ना, ठीक पर मैं बता दूंगी उसमें जितना मुझसे होता है। बाकी सुनीला क्रिएटिव कॉर्नर जो मेरा चैनल है उसमें मैं थोड़ा बहुत के डालूंगी। अभी हमारा शुरुआत है, औरत भी ठीक है यार, ठीक खुली, हाँ ठीक है खुली खुली औरत जो है। ये एक अफगानी सलवार है, फुल इसमें जो है घेरा रखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लगभग जितना बेल्ट के अकॉर्डिंग 5 इंच बेल्ट छोड़ के 36 इंच तैयार है, तो ये 31 इंच कटी हुई है, और 31 भी नहीं है 30 है, क्योंकि नीचे को इसमें जो है एक पोंचा सा लगता है जो कि अलग से लगता है। यहाँ से यहाँ तक इसमें फ्लीट्स पड़ेगी इस तरह से, हालांकि इसमें जो है चूनट्स भी पड़ती है लेकिन ये फ्लीट्स वाली है। और कटिंग का कुछ इस तरह है, बहुत ही सिंपल है। क्रिएटिव कॉर्नर पे जल्दी ही शुरू कर दूंगी। और ये देखिए बनके हो गई है तैयार, और काफ़ी अच्छी सी लग रही है ये। ये देखो इस तरह से फ्लीट्स है, बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से ऑर्डर मिलता है हम उसी तरह से बनाते हैं। और इस तरह से एक दूसरी भी मैंने तैयार कर दी है फटाफट से, ये रही है मेरी दूसरी। ये इसमें देखो फ्लीट्स इसमें अलग तरीके से बनी है। तो आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी था, वो साथ वाले जो है निकल गए हैं, कभी मैं जल्दी निकल जाती हूँ कभी वो जल्दी निकल जाते हैं। और मेरी शॉप पर जो रेस्ट आए हैं ना, अभी मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि अभी कस्टमर आ रहे थे। रेस्ट में दिखाती हूँ आपको, रेस्टा मैंने सोचा था कि आज स्टिच करना शायद शुरू कर दूँ लेकिन नहीं हो पाया, पर रेस्ट बताती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर से रेस्टे हैं, जब बनेंगे तो पक्का आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी कपड़ा दिखाती हूँ आपको रेस्टे का, और आज मेरा लेट हो गया, सारा ही कपड़ा दिखाती हूँ ना रेस्टे वाला। ये देखो कितना सुंदर है ना लटकन वाला, ये वाला इसका बनेगा रेस्टा। ये रेस्टे का कपड़ा है, ऐसा कपड़ा रेस्टे के लिए सबसे परफेक्ट होता है, बिल्कुल मतलब कि ऐसे अड्डे से बनेगा। ये देखो कैसा सिल्की सा रेस्टा है, इसका रेस्टा जब बैठेगा ना काफ़ी बढ़िया सा बैठेगा। तो अभी तो नहीं शुरू करूँगी इसको, जब तो रेस्टे की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ ही बताऊँगी, अगर ट्राईपॉड लाया हो, क्योंकि मुश्किल ही हो जाता है अगर साथ साथ में सब कुछ। ये तो सूट है, अब तो मेरा आप देखेंगे ना इधर ये वाली जगह कॉर्नर तो मैंने कभी दिखाया ही नहीं, सारा हो गया है मैसी मैसी। एक रिश्ता और था इसमें है और 3, ये देखो ये भी अच्छे कलर है रिश्तों के। एक ये है, एक ये है, मच्छर आने लगे हैं, टूं टूं लगी हुई है। एक और था कहीं, कहाँ रख दिया मैंने। मैं पता क्या करती हूँ, जो लेट वाले होते हैं ना उनको थोड़ा नीचे से घुसेड़ देती हूँ। यार मैं ब्लॉग सोचती हूँ कि शॉप का नहीं बना। ये देखो कितना सुंदर है, और ये देखो ये काइंड ऑफ रेस्टा ही है। ये देखो कितना अच्छा कलर है। अरे रेस्टे तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं की है, पर खुशी इस बात की रेस्टा आना शुरू हो गया है। ये देखो एक ये है रेस्टे की जो सिलाई है, इस टाइम मार्केट में चली है जी 1500 का रिश्ता सिलाई तैयार होती है। और सिलाई के बारे में आप लोगों का था कि भाई आपकी सस्ती है, बहुत ही शहरों में महंगी है, तो यहाँ पे यार जो लाइनिंग वाला सूट है इतनी मैंने तो दिया है, बहुत लोग दे देते हैं लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। तो हम वैसे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे ही लोग आए हैं जो भी आए हैं। अभी बात रही मेरे रिश्ते की, तो अगर आप मेरे से रिश्ता सिलवाते हैं, आपको 1000 रुपये का रिश्ता है स्टिच करके दे देंगे, 200 या 250 का तो सामान ही आता है रेस्टे का अलग से, पर फिर भी ठीक है इतना जायज़ ही रेट रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा जायज़ रेट है। जैसे अफ़गानी सलवार है ना, ये वाला सूट अफ़गानी, इसकी सिलाई जो है अफ़गानी सलवार की सूट के साथ जो है सिलाई होगी 400 रुपये, और अगर इसमें जो है शर्ट में लाइनिंग होगी तो 500 रुपये, ठीक है मेरा जायज़ रेट है। और 2 सूट आराम से निकालो, 1000 रुपये दिहाड़ी लगा लो, 200 निकल ही जाते हैं कभी प्यार प्यार से, एक तो आराम से ही निकल जाता है। बिजनेस का प्रॉफिट तो काफ़ी है, बस ठीक बने इतने ही कोशिश रहती है कि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो। क्योंकि ये एक अफगानी सलवार थी ना, ये वाली देखो, अफगानी सलवारें भी 2-3 तरह की होती है, इसमें चुनट पड़ी है, इसमें जो है प्लेट्स पड़ी हुई है, ऐसी ऐसी होती है, वह दोनों ही बहुत प्यारी है।
अभी मैं जाती हूँ घर, खाना वाना बनाना है। रौनक के फिर से एग्ज़ाम हो रहे हैं और रौनक के लिए भी था कि भाई 90 से अप परसेंट है, तो और आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। और बच्चा 90% लाए, 50% लाए, हम खुद ही 50 के अंडर वाले बच्चे हैं, फिर भी आज जी रहे हैं अच्छे से, अपना खा रहे हैं, अपना लगा रहे हैं, किसी का कुछ किसी से मांग नहीं रहे हैं। बहुत पहले से ही मेरा तो शुरू से यही रहा है कि भाई खुद से करना है, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, चाहे वो फिर गाड़ी चलाना हो, चाहे फिर वो स्टिचिंग का हो। स्टिचिंग तो मैं कॉलेज टाइम से ही करती हूँ, मतलब कि स्कूल टाइम से ही। सोचो मैट्रिक्स के पहले से ही 7th क्लास में मैंने अपना फर्स्ट सूट तैयार कर दिया। 7th क्लास में कितना होता है बच्चा, सोचो 13 साल का, 13 साल की उम्र में मैंने पहला सूट बना दिया था। तो ये सब रहता है। ठीक है, फिर मिलती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये शॉप खोलनी और बंद करनी है, क्योंकि इसका शटर जो है उतना भी टाइट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ही टाइट लगता है। मतलब कि मेरे से ये आधे से बंद नहीं होता है, मुझे इसके जो कुंडे हैं उस पर चलना पड़ता है। और अभी बंद करके मुझे महसूस हुआ कि मैं लॉक तो अंदर ही भूल गई, और फिर दोबारा से ये देखो ऊपर तो फिर भी हो जाता है, मतलब कि नीचे में तो बहुत ही मुश्किल होता है। फिर मैंने लॉक निकाला, उसके बाद जो नीचे वाला सीन रहता है वो ज़्यादा ही टफ हो जाता है, यहाँ से नीचे तो ये होता ही नहीं है। फिर इसके ऊपर मुझे जो है पैर लगाने पड़ते हैं, ये देखो अभी तो ये देखो इतना जोर लगता है, मतलब कि पूछो ही मत। ये देखो इस तरह से मैं ऊपर से फिर इसको इस तरह से नीचे करती हूँ, बस यही दिक्कत आ रही है। शुक्र है कि मेरा वेट अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, अदरवाइज़ जैसे मेरा 47 वेट होता था ना, तब तो मुश्किल हो जाता। अभी मेरा कुछ साल से आफ्टर सर्जरी वेट बढ़ चुका है, काम सही चला है। जो मेरे पास काम ला रहे हैं उनका भी थैंक यू, और जिनके बन गए हैं, जिन्होंने अच्छा मुझे रिव्यू दिया है, तो उन सब का भी दिल से थैंक यू। थक गई, मैं गाड़ी निकाला था, वहाँ ऐसी गाड़ी फसाई है ना, एक ने लेने आ जाते हैं मेरे को, नहीं तो आधे घंटे कोशिश की बनी निकली। मैं भी इतना वेट कर रहा इनका, आएंगे आएंगे, फिर आ गया मेरे कारण, और फिर मैं इसको आ गया। क्या आया मेरे को इसको लेने आ गया, मतलब कि अगर गाड़ी से नहीं आ पाए ना तो पैदल ही सही। मैंने बोला मैं को क्या डर लगता है आने का तो इसमें आई बस में तो सच में हनेटी बस में आ जाती, लास्ट बस हमारे गांव की, और घर में जाके फिर गधे वाली जिंदगी जीनी है, खाना बनाना है। फिर मिलूंगी नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।